हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त मस्त होंगे। वेलकम टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो दोस्तों, आज मैं फिर से खेलने वाला हूं स्नो रनर। आज हम भागेंगे भाई बर्फ़ के अंदर, लेकिन इसमें बर्फ़ नहीं है तो ऐसे ही भागेंगे अभी। और सुबह सुबह का टाइम हो गया है। पिछले पार्ट में भाई मैंने दो तीन ट्रक थे उनको डूब रहे थे पानी के अंदर, उनको निकाला था और ड्रेनेज करा था, हमने पंप को खोला था और मैंने ट्रक लिया था ये अजोब। लेकिन अब मुझे चाहिए भाई स्काउट, क्योंकि मुझे जाना है भाई यहाँ पर। तो ये तीन खोलने हैं, तो अभी यहाँ पर ट्रक तो जाएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको गैरेज में करते हैं रिकवर, और इसको अभी मैं रिटेन करके और ट्रक स्टोर में जाके भाई इसको सेल कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत इसलिए है भाई क्योंकि अभी मुझे लेनी है स्काउट कार। तो ये है अपनी स्काउट कार, तो अब मुझे घूमना फिरना है। तो भाई ये दो गाड़ियाँ हैं, अब इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, मतलब इसके अंदर कोई अपडेट नहीं आई अभी तक। तो ये आगे भी अपनी कार एक बार इसको कस्टमाइज़ करके देखता हूँ। तो ओ भाई, इसके अंदर इंजन आ गया है बढ़िया वाला, तो इंस्टॉल कर सकते हैं इसको फ्री में। अच्छा, तो पहले था लोकल इंजन, अब है कस्टम ये वाला। तो गेयर बक्सा अभी इसके अंदर नहीं है। सस्पेंशन भाई रेस वाला आ चुका, बाप भाई बाप। तो मैंने तो अभी इसको देखा ही नहीं था। ओ भाई, इसके पहिए भी खुल चुके हैं यार, देखो। मड वाले अभी नहीं खुले, ऑफ रोड वाले खुल चुके हैं 38 इंच के ये। तो इसको करते हैं परचेज। तो पैसे मेरे पास कम थे इसलिए मैंने ट्रक को भेज दिया अभी, क्योंकि ट्रक को लेंगे हम बाद में। तो इसके अंदर ये भी आ चुकी है ऑटोनोमस स्काउट, तो ये होती है विंच। अगर ये बाई चांस पलट भी जाए किसी भी वजह से, तो क्या होता है कि ट्रक सीधा नहीं होता, लेकिन ये ऑटोनोमस स्काउट क्या करती है विंच कि इसको आराम से सीधा कर देगी। तो इसको कर लेते हैं परचेज अभी 94/10,000 की, और एंगेजेबल। अब डिफरेंशियल लॉक अभी लगा हुआ है इसके अंदर, हम लगा सकते हैं। और स्नो क्रील, ये क्या चीज़ है भाई, ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। और भाई इसके अंदर तेल का कोई सिस्टम नहीं है यार, ये बड़ी दिक्कत है। तो ट्रंक रिपेयर सप्लाई, तो सिर्फ ये रिपेयर कर देगी 50। और स्पेयर व्हील, मतलब टायर पीछे लगा हुआ, लेकिन ये मुझे चाहिए था तेल का, क्योंकि तेल चाहिए फ्यूल टैंक 80। अगर ये मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन भाई ये है नहीं इसके अंदर। तो चलो जो मिल रहा है इसको लेते हैं, और इसको तो हम बाद में बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रक स्टोर में चलते हैं अगर स्काउट में, और अगर इस वाली को परचेज़ करता हूँ मैं, तो ये बिल्कुल जितने की आप खरीदोगे उतने की वापस भी हो जाएंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार स्काउट को भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर इंजन भाई नहीं है, गियर बक्सा नहीं है, सस्पेंशन नहीं है अभी भी। ओ भाई, इसके अंदर ऑफ रोड टायर आ चुके हैं ये वाले। चलो इसको करते हैं एक बार परचेज। तो दो गाड़ी में लेने वाला हूँ अभी, देखते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है, विंच, अच्छा विंच इसके अंदर भी ऑटोनोमस, इसको लेते हैं। और स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील चाहिए, स्पेयर व्हील की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, अगर टायर फट जाए तो होता दिक्कत। तो ये अभी दोनों बंद हैं, ओके। फ्रेम एड ऑन, ओह भाई इसके अंदर है फ्रेम एड ऑन, इसको करते हैं परचेज। और भाई इसका कलर वलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, बम्पर वम्पर चाहिए जो भी चाहिए आप लगा सकते हो, हम भी लगा सकते हैं, मतलब मैं लगा सकता हूँ। तो रिम, तो रिम कोई भी लगा लो यार, रिम से क्या फ़र्क पड़ता है, रिम ने थोड़ी कुछ करना है। और ये एक्सटर्नल ये नहीं चाहिए, पेंट कोई भी ले लो भाई, इस गाड़ी का कलर तो ले लेते हैं कोई अच्छा सा, स्काई ब्लू अच्छा लग रहा है भाई, पिंक भी अच्छा लग रहा है, ये दो तीन कलर का ये भी ले सकते हैं, ये ओरिजिनल कलर है, तो चलो ये ले लेते हैं, ओके। अप्लाई कलर, और अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो, बबल वबल ये एक्सेसरीज़ हैं भाई, इसके पैसे लगेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हो वैसे। तो चलो इसको करते हैं अब लीव गैरेज। तो ये आगे भी अपने स्काउट कार, ये बढ़िया लग रही है, क्योंकि ये भी ठीक है दोनों, वो भी ठीक है। तो इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी है, चलते हैं इसको लेके। डिफरेंशियल लॉक इज ऑलवेज ऑन लॉक भाई, और क्या चाहिए। तो ऑल व्हील कर लेते हैं इसको, ऊपर तेल भी है अपने पास, अगर खाली हो जाएगा तो भर लेंगे। अब चलते हैं भाई फटाफट वॉच टावर खोलने हैं आज, और ट्रक का भी, ट्रक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले हमें काम इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब जो जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो लेने पड़ेंगे। तो अब मैं जाने वाला हूँ इसको लेके, और ये बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही प्यारी सी, देखो स्काउट। दूसरी गाड़ी भी मेरी गैरेज में खड़ी है, उसको बाद में देखते हैं, अगर ये कहीं फंस गई बाई चांस कोई दिक्कत हो गई तो उसको ले आएंगे। तो एक बार मैप को देख लेता हूँ भाई किधर से जाना था। तो भाई ये इलाका हमने अभी खोला नहीं, तो इधर से चलते हैं, और उसके बाद इधर भाई देखता हूँ कैसे कैसे होगा। तो इस, ये बीच में से एक रोड जा रहा है भाई इधर, तो
तो यहाँ से देखते कौन सा रास्ता है भाई ये। ओह ये रहा भाई एक रास्ता है इधर भी, तो ये और विंच अपने पास है, लेकिन विंच की अभी ओ भाई बहुत ही मड्डा है यहाँ। तो कोई बात नहीं, टायर अपने बढ़िया वाले हैं भाई, मड वाले, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगी निकल जाएगी, बहुत ही प्यार से निकल गई देखो। लेकिन बार बार मैं यहाँ से आऊँगा जाऊँगा तो शायद ये फंस जाएगी भाई। बहुत अच्छी चल रही है अभी तो, स्काउट देखो कितनी प्यारी है यार, बहुत ही बढ़िया जीप है। और तेल वो फुल भरा हुआ अपना, कोई टेंशन नहीं है अपन को, क्योंकि भाई तेल जितना भी ख़त्म होगा हम ऊपर से भर सकते हैं। तो इसको निकालते हैं भाई, पत्थर बहुत पड़े हो यहाँ पे। ओ ओ ओ ओ ओ भाई पहाड़ी एरिया ना, तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि बर्फ नहीं सॉरी पहाड़ टूट टूट के भाई गिरते रहते हैं। तो इसको निकालेंगे भाई बड़े बड़े पत्थरों से बचा के, यहाँ से चलाते हैं इसको यार, अंदर से मज़ा आएगा थोड़ा सा ये। चल मेरी धन्ना खींच दे कंडा, फटाफट पहुँच जा दे, और पत्थरों से निकालते हैं साइड से भाई। तीन वॉच टावर बचे हैं, बस वो खुल जाएंगे तो हमें अभी इसमें शायद और भी टास्क होंगी। तो टास्क मैंने अभी तक करी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया अभी, कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े कंपनियों के हैं वो लेंगे बाद में, पहले भाई छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठे करके अपनी गाड़ियाँ और ट्रक इकट्ठे कर लें। और इसमें टास्क मैंने देखा है दो तरह की टास्क है, एक टास्क है जिसके ऊपर जैसे वो ट्रक वाली टास्क थी, तो टास्क ट्रक के ऊपर ही थी मतलब उसके पास जाके टास्क मिली थी, और दूसरी एक टास्क होती हैं जो टास्क अलग होती है लेकिन वो कहीं पर माल कहीं और छोड़ना होता है। तो दो तरह की इसमें टास्क है, तो अभी कॉन्टेस्ट भी है इसके अंदर, तो वो भी मैंने नहीं करे, प्रतियोगिता यानी कि उसमें हमें भाग लेना। ओ भाई ये क्या आ गया भाई, एक और पेट्रोल पम्प। ओ लो भाई ये खुला भाई एरिया, तो ये इतना सा एरिया खुला अभी मैं। अच्छा ये देखो ये रोड, अरे यार ये घूम पर ये पता नहीं यार ऐसे क्यों घूमता। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर मैंने सही करा था ये पुल को, ये रास्ता इधर ही आ रहा है भाई, यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प और है, और यहाँ पर भी कोई टास्क है, देखते हैं कौन सी टास्क है कहाँ पर है। ये लो भाई टास्क, न्यू ऑब्जेक्ट मिसिंग ऑयल टैंक, इसको ले लेंगे भाई, जो भी टास्क मिले उसको लेते रहेंगे क्योंकि बार 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 कौन आएगा। तो उस कुछ टैंक है मिसिंग ऑयल, ये खड़ा शायद, इसको यहाँ पे लाना है। और म्यूजिक चल रहा है अंदर बहुत बढ़िया सा, अंग्रेज बैठे हैं अंदर, कोई नज़र तो आता नहीं यार इसके अंदर, बंदा भी नज़र नहीं आता होता। तो तेल इसमें भर लेंगे अपना भाई एक बार सी से। ओ पिंच कैसे लग गई यार, तो ऑटोमेटिक विंच का भी मुसीबत ही है, ये देखो अपने आप ही विंच लग गई। अब चलते हैं भाई वापस इधर से आगे, मतलब ये खड़ा भी एक टैंक, ये होगा मिसिंग ऑयल टैंक, इसको कहीं पहुंचाना होगा शायद, देखते हैं अभी क्या टास्क है ये, कहां पर पहुंचानी है इसको। एक मिनट, ओए यार एक सेकंड एक सेकंड भाई एक मिनट, रुक जा। तो ये हमें मिली है टास्क, कहाँ पर गई, लॉस कंटेनर, तो ये यही वाली टास्क है, और ये वेयर हाउस पे पहुंचानी है। ट्रक विद क्रेन इज रिकमेंडेड, ये कुछ और टास्क है भाई, ये कोई और है, फूड डिलीवरी मिसिंग ऑयल टैंक, हाँ ये टास्क है। तो इसको हमें कहाँ पहुंचाना है, फ्यूल करियर ट्रेलर को पहुंचाना है हमें भाई यहाँ पर। ओ ये क्या है भाई, ऑयल टैंक पार्किंग, इसको यहाँ पर डिलीवर करना भाई हमें, इसको यहाँ से ले आके और यहाँ पर देना है। इसके लिए हमें चाहिए ऑफ रोड ट्रक, अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और इधर से चलते हैं भाई अंदर से, इस तरफ अभी इधर मैं आया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, देखता हूँ इधर क्या क्या चीज़ है। ओ भाई तो कहीं पर सड़क है कहीं पर मड है भाई, ये गाड़ी बहुत मस्त है यार, दूसरी भी सही है लेकिन इसके अंदर उसके अंदर अभी तेल की ऑप्शन नहीं आ रही ना, ऊपर तेल चाहिए रूफ पे, क्योंकि भाई तेल नहीं होगा तो मेरा तेल जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। और ये गाड़ी भी तेल पी रही है भाई 3 लीटर। वो भाई इधर भी रास्ता जा रहा है एक सेकेंड, तो एक रास्ता भाई इधर भी जा रहा है ये। ओ भाई यहाँ पर भी है एक रास्ता, और यहाँ से जाकर चलो इधर चलते हैं कि इधर चलें भाई, चलो पहले इधर ही चलते हैं देखते हैं क्या है इधर, इस तरफ चलते हैं एक बार, मारते हैं जरा नज़ारा इधर, मारते हैं एक नज़र इधर भी। तो पहाड़ी है भाई बहुत बढ़िया है यहाँ पर, ये भाई एक और टास्क की नज़ारी क्या है ये। ओ लो भाई यहाँ भी पुल टूटा हुआ है भाई यार बताओ, वो ये भी टास्क है, लो इस टास्क को लेते हैं। और माउंटेन ब्रिज, तो माउंटेन ब्रिज एक्टिवेटेड, तो ये ब्रेक कैसे लग गई,
तो भाई इस पुल को भी रिपेयर करना है, यहाँ पर भी कुछ माल लाना पड़ेगा, तो यहाँ से तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो भाई यहाँ से करते हैं बैक, एक मिनट कट जाएगी। हाँ भाई एक मिनट, आगे जरा जगह खराब है। गुड, चल भाई मोड़ ले वापस। तो यहाँ पर तो अब भाई आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो ये देखा, ये होती प्रॉब्लम। ओए भाई ये क्या है भाई, एक और चोर रास्ता। एक मिनट, तो एक और रास्ता जा रहा है। ओहो हो, ये रास्ता जा रहा है वॉच पॉइंट पे। अच्छा अच्छा, चलो भाई यहाँ से चलते हैं फिर, वॉच पॉइंट ढूंढते हैं। तो वॉच पॉइंट खोलना था तो वॉच पॉइंट खोलते हैं। ये अपनी स्काउट गाड़ी छोटी सी है, घुस जाएगी। तो भाई जहाँ पर वॉच पॉइंट होते हैं वहाँ ट्रक लेके जाना मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी छोटी जा सकती है वहाँ पर। बीच में होते हैं बहुत सारे पत्थर, तो उससे दिक्कत हो जाती है। ये देखो ये चढ़ जाएगी भाई, बहुत सॉलिड गाड़ी है, और पेड़ों पूड़ों को तोड़ देगी छोटे मोटों को। और चलो ये सही हो गया भाई, वहाँ आगे रास्ता ही नहीं था जाने का। वहाँ पे भाई रास्ता फूटा हुआ टूटा हुआ है पुल, तो हम यहाँ से निकालते हैं इसको। आ जा भाई आ जा, एक मिनट भाई आगे से देखते हैं जरा। हाँ ये हल्की है गाड़ी, देख रहे हो जब चलती है तो ऐसे ये लगता है फुग्गे सी, ऐसी गुब्बारे ऐसी हवा में उछलती है, लेकिन गाड़ी बढ़िया है, चलने में मज़ा है। और क्या लिखा भाई आगे इसके, लिखा हस्की। ओके हस्की लिखा, हस्की। ओ भाई मड आ गई। ओ लो भाई वॉच टावर तो पास ही था। तो यहाँ से है वॉच टावर, देखो छोटा सा रास्ता था, चोर रास्ता। तो एक पुल रिपेयर करना है, दो टास्क मैंने अभी लिए हैं आज, नहीं तो बाकी टास्क तो हमने सारी पूरी कर दी थी, बस यही दो टास्क बची हैं। इस पर करते हैं, गाड़ी को चढ़ाएंगे बस। लो भाई ये, लो भाई ये खुल गया किंग ऑफ द हिल। और भाई ये वेयर हाउस का रास्ता और मिसिंग ऑयल टैंक। अच्छा अच्छा, वो जो मिसिंग ऑयल टैंक है जो पेट्रोल पंप पे देना है, वो क्या है कि ये वाला टैंक है भाई, इसको ले के आना है और यहाँ पर छोड़ना है भाई। अच्छा अब आया ना नज़र। हाँ तो इसके लिए हमें ऑफ रोड ट्रक चाहिए, क्योंकि ये कीचड़ के अंदर फंसा हो भाई, यहाँ तो बहुत मड्डी मड है, तो इस टैंक को ले के आना है। अच्छा चलो ठीक है, तो हम अभी हैं इस यहाँ पर, और अब चलते हैं भाई दूसरा वॉच टावर। ओहो दूसरा वॉच टावर पुल के पार है, लेकिन अगर मुझे जाना है तो यार ये क्या है, ये भी वॉच टावर है क्या? नहीं वॉच टावर नहीं है ये। अच्छा मैंने ये खोला है अभी, लेकिन खोला तो मैंने अभी ये वाला है। यहाँ पर भी कुछ टावर सा बना हुआ यार, देखो ये देख रहे हो एक टावर है बहुत बड़ा, ये पता नहीं अपने आप खुल गया है या कुछ इस पर वो होगा, इस पर भी कुछ टास्क होगी ज़रूर। तो अभी जाना भाई इसके ऊपर, और इस पे जाने के लिए भाई रास्ता, अच्छा यहाँ से जाएंगे। ओ भाई यहाँ तो जाने का रास्ता ही नहीं है, ये देख रहे बीच में से ये कच्चा रास्ता, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है भाई, ये शॉर्टकट है। तो अभी चलते हैं हम सीधे ही, अब वॉच टावर खोलते हैं पहले। चलो तो क्योंकि अब मैंने स्काउट गाड़ी ली हुई है ना, तो इससे अब क्या करेंगे, वॉच टावर खोल लेंगे पहले, उसके बाद टास्क भी ले लेंगे इसी से, उसके बाद लेंगे ट्रक, फिर ट्रक को लेके आएंगे बढ़िया सा बना के, और हो सकता है कोई अपग्रेड भी मिल जाए जब तक ट्रक की। तो फिर मैं ट्रक को अपग्रेड करके भाई उसमें अच्छा से टायर वायर लगा के, और फिर लाएंगे और अपने टास्क सारी पूरी कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट भी जो हैं बड़े बड़े वो भी कर लेंगे। ओके भाई ओके, यहाँ पर आ गए भाई हम। ओके तो यहाँ से तो पुल टूटा है यहाँ पर। होय 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 होय, अच्छा अच्छा पुल टूटा है यहाँ पर, तो भाई हम यहाँ से जा सकते हैं। एक और चोर रास्ता ये है भाई शॉर्टकट, तो उधर वेयर हाउस है, वेयर हाउस की तरफ भी बाद में चलते हैं। पहले वॉच टावर खोल के पता तो लग जाए कि भाई कहाँ पर क्या क्या मामला फिट करना है, यानी कि किसको क्या रिपेयर करना है। कहीं पुल टूटा है, कहीं पर किसी का टैंक छूट गया, किसी की बीवी भाग गई, किसी का कुत्ता गुम हो गया, किसी की बिल्ली खो गई, तो ये सब टास्क करनी पड़ेगी। अच्छा तो पुल टूटा था, तो हमने भाई एक साइड से शॉर्टकट ढूंढ लियो। भाई बड़ा पानी आ रहा है यहाँ, तो भाई गाड़ी तो नहीं बह जाएगी। नहीं यार छोटा थोड़ा सा ही पानी है, ज़्यादा नहीं है, तो पुल बीच में है। लो भाई आ गए यहाँ पर, ये गैस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैस, और इधर वेयर हाउस है, और भाई इधर फैक्ट्री है, फैक्ट्री जाके इधर को राइट में। चलो चलते हैं फैक्ट्री की तरफ, कहाँ पर फैक्ट्री भाई देख लेते हैं। वो रहा भाई वॉच टावर मेरे सामने, बिल्कुल आए नज़र। वो रहा भाई देखो सामने ही है मेरे, वो भाई। और इधर इधर भी रास्ता है, नहीं नहीं ये रास्ता नहीं है यार, ये वैसी है, जंगल है, जंगल जंगल। चल मेरी धन्नो खींच दे कंडा।
भाई 60 लीटर तेल बच गया। इसकी कैपेसिटी है 72 लीटर की टोटल। तेल काफ़ी कम पी रही है यार, अभी तक तो ट्रक होता तो काफ़ी तेल पी जाता। तो एक रोड भाई इधर भी है, एक मिनट भाई, रोड तो देखने पड़ेंगे। ओ भाई यहाँ पर भी पुल टूटा हुआ, चलो इसका भी टास्क लेनी पड़ेगी। तो रॉक स्लाइड हो रखे यहाँ पर भी, पहाड़ी खिसकी हुई है, यहाँ पर भी कुछ माल पहुँचाना पड़ेगा। तो भाई इसके अंदर बहुत सारी जॉब हैं, लकड़ी देनी पड़ती है, लोहा और स्पेयर पार्ट, सर्विस स्पेयर पार्ट। एक मिनट, बस। ओके टास्क दिखाओ भाई मेरे को। और यहाँ पर रॉक्स अगेन, सीरियसली, ओके कम ऑन, डू मी ए फेवर एंड हैंडल दिस, ओके आई विल। तो कह रहे हैं कि हमारा काम करोगे, करेंगे भाई, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। चलो वापस घुमाते हैं इसको, बहुत ध्यान से भाई, यहाँ पर जगह कम है। चल भाई वापस चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपने, क्योंकि ये भी रास्ता बंद है, यहाँ से भी जा नहीं सकते। इनको रिपेयर करना पड़ेगा तब जाके, पूरे मैप के अंदर जितने पुल टूटे हैं भाई, पहले वो रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक रास्ता, ओ भाई एक रास्ता यहाँ पर भी है, एक मिनट। तो ये रास्ता जा रहा है किधर? अच्छा वॉच टावर पर जाने का रास्ता उधर है, ये रास्ता है किधर से? और ये रास्ता भाई, ओ यार ये क्या, चल अरे हटाओ भाई इसको, अरे क्लियर कैसे होता भाई यार, ये कैसे लग गए? ऐड डेस्टिनेशन पॉइंट, डिलीट, होल्ड, अच्छा ओके, माउस का बीच वाला बटन से क्लियर होंगे। ओ भाई ये आगे जाने के रास्ते हैं, और अच्छा पहले चलते हैं इस वॉच टावर पे, वॉच टावर किधर से है देखता हूँ यार, एक मिनट। तो सीधा जाके है, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं उसका रास्ता भाई। वॉच टावर एक तो खुल गया था, आराम से मिल गया था, अब बाकी तो बचे हैं, उनको तो भी खोलना पड़ेगा। तो इधर जाना था आगे यहाँ पर, तो ये जा रहा भाई एक रास्ता ऊपर को, वो है वॉच टावर भाई पीछे। चलो चलते हैं यहाँ से, देखें यहाँ से चल के देखूँ भाई क्या है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ से भाई, वह पीछे ही है यार वैसे तो। ओ भाई बहुत पहाड़ी है यहाँ पे, एकदम खड़ी। चल मेरी धनो चढ़ जा भाई, चढ़ जाएगी, सुपर सॉलिड गाड़ी है ये। हाँ चल इधर को, हाँ इधर ही। ओ भाई ये क्या बना रखा है? ओ भाई चढ़ी नहीं दी, ओ यार ये तो कुछ और ही चीज़ है। ओ वॉच टावर भाई उसके पीछे है, एक मिनट। ओ यहाँ से भी जा सकते हैं। ओ ध्यान से धनो ध्यान से पलट जाएगी। ओ भाई 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 रुक जा। ओ लो भाई वॉच पॉइंट खोल ही दिया, वैसे तो उसका रास्ता दूसरी तरफ से था। ओ भाई वॉच पॉइंट एक और खोला, लो भाई। तो ये लॉक स्टेशन भी है यहाँ पर देखो, और ये गाड़ी भी खो रखी है यहाँ पर कोई। ओके तो अब बचा भाई एक वॉच पॉइंट, बहुत सारे टास्क हैं। अपग्रेड मिली, और ये ब्रिज, और देखो यहाँ पे एक वुडन ब्रिज, यहाँ पे वुड लेके जानी पड़ेगी। ओहो तो यहाँ पे लकड़ी का पुल टूटा हुआ है, इस फैक्ट्री है क्या है ये भाई? भाई तेल सा पड़ा हुआ है क्या, तेल के टैंक पता नहीं क्या है। हो तो भाई अब बचा एक वॉच पॉइंट यार, ये तो बहुत दूर है भाई जाके, अब क्या करें? एक काम करते हैं, कहाँ पे गई अपनी यार, अब स्काउट भाई, नहीं तो फिर मुझे दोबारा स्काउट बिल लेके आना पड़ेगा। अरे यार एक मिनट की, हाँ तो यहाँ चलते हैं, फिर लॉक स्टेशन पर चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के देखेंगे क्या करना है। चलो अभी तो चलते हैं नीचे। ओह ब्रेक हटाओ इसको, यहाँ से था रास्ता वैसे इसका। तो वुडन ब्रिज का नया ऑब्जेक्ट खुला है, तो डिस्कवर कर दिया आज हमने, स्काउटिंग कर दी बढ़िया सी। देखो भाई ये गाड़ी ना, ये ओए रुक जा अभी टांग उठा दी थी इसने। ओ भाई वो बहुत छोटी सी गाड़ी है, ओए भाई ये हल्की बहुत है यार भाई। इधर भी रास्ता है, उधर बाद में देखते हैं, पहले वॉच पॉइंट खोल के मैं देख लूँ कहाँ पर क्या क्या। तो धीरे धीरे होंगे वॉच पॉइंट और भाई टास्क धीरे धीरे होंगी, तो एकदम से नहीं हो जाएगा ये। आप सोचो कि भाई फूक मारी और सारा काम हो गया, ना भाई ऐसे नहीं होगा, पूरा दिन लगे रहोगे ना 24 घंटे तब जाके ये एक मैप, 24 घंटे में भी नहीं होगा भाई, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओ भाई ये आ गई लॉग स्टेशन, लो भाई यहाँ पे भी लॉग स्टेशन है, यहाँ से लकड़ी मिलेगी। अच्छा तो यहाँ से मिलेगी लकड़ी लेके, और भाई पुल वुल पे जहाँ पे छोड़नी छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे भाई कोई पॉइंट नहीं है लॉग स्टेशन का, वैसे ही बना रखी है, हो सकता है वहाँ पे पॉइंट हो। अच्छा ये है तो सही कुछ,
अच्छा कार्गो मैनेजमेंट, हाँ भाई यहाँ से मिलेगी लकड़ी। चलो ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई ये तो फंस गई भाई, कहाँ बना रखा खड्डे में देखो। चलो यार एक वॉचमैन वो बचा देखो सामने, एक मिनट, हाँ भाई ये है मेरे सामने और इसका रास्ता जा रहा है इधर से, वो पहाड़ी के ऊपर है भाई। तो तीन वॉच पॉइंट बचे थे, मैंने तीनों दो तो खोल दिया, अब तीसरे को देखते हैं तीसरा किधर है भाई। इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा मुझको, यहाँ पर पेड़ कटे हुए हैं बहुत सारे भाई, इसकी साइड से निकाल लेंगे। और स्काउट मज़ेदार है भाई, चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, मक्खन की तरह गल दे मलाई एकदम ये। और भाई जब गाड़ी स्काउट कोई भी गाड़ी लो तो अपग्रेड जरूर कर लेना, अपग्रेड नहीं करोगे तो फंस जाएगी। कहाँ है भाई, ओ भाई इधर से रास्ता है पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी नज़र ही नहीं आ रही अब, बहुत ज़्यादा ही ऊँची है। चलो खींचते हैं इसको फटाफट, चल धन्नो निकाल दे अपनी स्काउट 800 है भाई आज इससे कर रहे हैं हम। तो शेवरलेट भी अच्छी है शेवरलेट, लेकिन थोड़ी हल्की है। जब मेरी रैंक वगैरह जब मेरी रैंक वगैरह बढ़ जाएगी तो फिर मैं यार वाली गाड़ी लेके देखता हूँ, वो कहते हैं सॉलिड गाड़ी है। अभी तक तो मैंने स्नो रनर के अंदर वो चलाई नहीं है, मिली नहीं अभी तक। तो वॉच टावर भाई इधर ही है, 100-150 किलोमीटर पे दिखा रहा है, 150 मीटर पे। तो यहाँ पे लगे हुए हैं बोर्ड फैक्ट्री का, और ये क्या दिखा रहा है भाई, ये दिखा रहा है ट्रक पार्किंग। अच्छा यहाँ पर पार्किंग है, ओ भाई ये तो बहुत ऊपर है, ये ऊपर कैसे जाएंगे। चलो आगे से रास्ता है, दिखा तो रहा है रास्ता सामने, काफ़ी दूर आ गया भाई, मैं बिल्कुल मैप के एंड पे आ चुका हूँ। तो घुमाते हैं इसको गाड़ी को अपनी को, स्काउट चल खींच दे। तो स्पीड इसकी 10 पे चल रही, 10-15 भी, ओ भाई अंदर पत्थर, ओ भाई बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं, ध्यान से भाई पत्थर के ऊपर, ये पत्थर पे चढ़ गई ना मोटे वाले पे तो फंस जाएगी भाई। कहाँ है भाई, ओ भाई ये ऊपर है लेकिन ऊपर चढ़ेगी कैसे। आगे से रास्ता दिखा तो रहा है, यहाँ से भाई पत्थर है ना, यहाँ से तो मुश्किल है जाना, बहुत ही मुश्किल जाना, वहाँ से नहीं जा सकते। बीच में से एक रास्ता आया तो है, देखते हैं, फट बहुत ज़्यादा है, देखो बुरा हाल हो रखा है गाड़ी का भाई, गंदी हो गई, इसको धुलवाई करवानी पड़ेगी इसकी बढ़िया सी भाई। शॉर्टकट मारते हैं, ओ भाई साहब मड देखो बुरा ही हाल है, चढ़ जा भाई, कुछ भी कह लो दमदार है गाड़ी, देखो कोई भी कैसी भी पहाड़ी हो चढ़ती जा रही है ऊपर। तो भाई वॉच टावर का रास्ता, यार ये वॉच टावर बहुत मुश्किल बनाया भाई, ये कहाँ पे बनाया पता नहीं। अच्छा तो ये आ रहा भाई एक रास्ता लॉन्ग कट, हम जा रहे हैं शॉर्टकट से। ओ भाई किधर है ये, ये रहा मिल गया, जो वॉच पॉइंट खो गया था वो मिल गया। सूरज भाई मेरी आंखों के अंदर पड़ रहा है, बिल्कुल चश्मा लगाना पड़ेगा लगता, क्योंकि भाई रोशनी आ रही बहुत तगड़ी, वाइट सा हो गया सब कुछ। आ गया भाई आगे वॉच पॉइंट के पास पहुंच गए। लो भाई ये रहा आखिरी वॉच पॉइंट, इसको खोलते हैं फिर लेते हैं बढ़िया सा नज़ारा क्या होगा यहाँ पर। लो भाई वॉच टावर ओपन, और भाई 50 हमें मिले पॉइंट, यहाँ आप समझ लो। अच्छा ये देखो, तो ये है स्काउट फ्लैट बेड, इसके ऊपर पड़ी है दो ब्रिक पड़ी हुई इसके ऊपर, मैप अब पूरा खुल चुका, लेकिन हम यहाँ पर नहीं गए हैं अभी, तो ये काला सा नज़र आ रहा है, ये बाद में खुलेगा। और अभी हम वेयर हाउस पर भी नहीं गए, मिसिंग ऑयल टैंक है, और यहाँ पर भी एक कॉन्टेस्ट है, और ये है भाई फैक्ट्री, ये है फैक्ट्री शायद, यहाँ पर क्या होगा लोकल एंटरटेनमेंट, ओ भाई। तो टास्क है ये, तो ये जो ऊपर आ रहा है टास्क है एक, तो एक टास्क यहाँ बची है लोकल एंटरटेनमेंट, और बाकी टास्क एक यहाँ पर थी, ये एक टास्क सॉरी यहाँ पर थी, ये मैंने अभी नहीं ली, तो मैं वहाँ अभी तीन टास्क हो गई हैं, तो एक टास्क यहाँ पर है लास्ट। तो ये टास्क हमने कहाँ से लेनी थी, यहाँ से, अच्छा, और यहाँ पर जितनी टास्क थी ये तो पूरी हो गई। और ड्रोन हाईवे ट्रक भाई, एक ट्रक यहाँ पर भी है, ओ भाई साहब ये तो मैंने देखा ही ना। चलो इसको देखते हैं, इसके ऊपर ही टास्क होगी। तो दो ट्रक यानी कि डूबे हुए थे पिछली बार, हमने एक ट्रक हाईवे नहीं था लेकिन वो
दूसरा ट्रक था ये हाईवे ट्रक है, तो वो छोटा ट्रक था, तो वो टास्क अलग थी। अच्छा, किंग ऑफ द हिल एक ये टास्क बची है मेन, और एक बची है पुल वाली दो, और भाई शेवरलेट कोडियाक C70 भाई यो मिलेगी हमें, इसकी कोई टास्क नहीं है, ये मिलेगी ये, लेकिन ये बर्बाद हो रखी है, तो ये हमें मिलेगी, इसको लेके भाई हमें पैसे मिलेंगे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अभी एक यहाँ पर है टास्क, एक यहाँ पर है, चलो यहाँ तो जब हम बाद में जाएंगे इस टास्क को ले लेंगे, तो अभी तो मैं हूँ यहाँ पर और इसका आने का कोई फ़ायदा नहीं इतनी दूर, तो अब मुझे लेनी है अपग्रेड इस गाड़ी को और इस टास्क को, बस उसके बाद फिर ये हमारा इधर ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा। अपग्रेड भाई देखो एक यहाँ पर भी है, तो एक काम करते हैं, अब तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर, अब इसको करते हैं भाई एक रिकवर, और इसको करते हैं लीव गैरेज। वापस आ गए हम अपने गैरेज के अंदर भाई, ऐसे कर जाना पड़ेगा अब दोबारा, एक बार फिर चलते हैं उसी रास्ते पे, और तेल वेल अपना फुल हो चुका है, तो अब मैं जाता हूँ अपग्रेड वगैरह जो मिली हैं, क्योंकि भाई अपग्रेड लेनी बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड नहीं लूँगा तो फिर ट्रक वगैरह में अपग्रेड नहीं लगेंगी, तो जैसे जब तक अपग्रेड पूरी नहीं होती तो भाई तब तक तो ये लेनी ही पड़ेंगी, उसके बिना भाई मज़ा नहीं आएगा भाई। सस्पेंशन मिलेगा ऊंचा वाला, रेस्ड वाला, फिर कई तरह के टायर मिलेंगे, मड वाले और फिर चेन वाले, तो वो तो लेने ही पड़ेंगे अगर अगले मिशन करने हैं। चल भाई निकाल दे, ओ भाई बहुत मड है, चल चल चल, मड वाले टायर तो लगे हुए हैं। अरे यार एक मिनट, ओ भाई भाई AWD हट जाता है जब हम उसमें आते हैं। ये क्या हुआ भाई, ओ ये क्या हुआ, फंस गई। चलो 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 चलो, निकालो इधर से, चल अरे खींच दे भाई, एक मिनट, चलेगी भाई। अब मैं विंच नहीं लगा रहा, इसलिए मैं कहा क्या विंच लगानी, जितनी देर मैं विंच लगाने में ख़राब करूँगा टाइम, उतने में तो भाई ये निकल ही जाएगी। तो फिर वहीं से जाता हूँ एक बार पेट्रोल पंप पे, और उसके बाद अपग्रेड, एक अपग्रेड तो पास में ही थी, कहाँ पर थी भाई अपग्रेड, भाई ये लेनी भी तो बहुत ज़रूरी है, एक यहाँ पर है, ओ भाई एक वहाँ पर है, ओ भाई ये तो बहुत अच्छा, ये तो पुल के बाद ही मिलेगी भाई, ये पुल जब रिपेयर होगा उसके बाद ही मिलेगी, या फिर मुझे ये शॉर्टकट मार के फिर जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलो यार एक काम करते हैं, तो अभी बस एक दो अपग्रेड, ओ अपग्रेड अभी बाद में मिलेंगी भाई पहले। अरे यार, ओ यार ये क्या कर दिया यार, ये क्या दे दे बताओ यार, ये तो कोई बात नहीं हुई, इसको करते हैं रिकवर, इसको कर लेते हैं रिटेन अभी, और इसको कर देते हैं अभी ट्रक स्टोर में जाके, अरे यार इसमें जाके इसको कर देते हैं सेल, अभी इसका काम नहीं रहा, इसको भी सेल कर देता हूँ अभी। तो अब ट्रक ले लेते हैं अपना वही वाला, अजॉब कहाँ गया यार, अजॉब ट्रक कहाँ चला गया, फिर मुझे रशिया जाना पड़ेगा क्या, अबे यार ये बड़ा चक्कर है भाई, ओहो भाई मैंने अगर ट्रक वो भेज दिया फिर मुझे रशिया जाके फिर दोबारा उस ट्रक को लाना पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई यार, ये ट्रक तो बकवास है यार, इनको मत लेना यार, वही ट्रक चाहिए था वैसे तो, ये भी सही है, ये भी ठीक है, चलो ऐसा करते हैं अभी उसको रहने देते हैं, अभी इसी से काम चला लेते हैं, इसी को ले लेते हैं इंटरनेशनल पे स्टार को, और इसको कर लेते हैं कस्टमाइज फटाफट। तो इसके पीछे एक तो मैं लगा लेता हूँ पहले जो मुझे चाहिए मेन, अरे नहीं यार फ्लैट बेड कहाँ गया, साइड बोर्ड बेड ठीक है, इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। और ये बात अच्छी है कि जो हम जितने का सामान खरीदते हैं भाई उतने का ही बिक जाता है ट्रक, इसमें पहिए ऑल ट्रेन, चलो इसको लेते हैं परचेज़ कर लेते हैं इसको। और विंच इसमें अभी भाई विंच कोई नहीं है, डिफरेंशियल लॉक नहीं है, स्पेयर व्हील नहीं है, है मतलब हमें नहीं चाहिए, चलो इसको लगा लेते हैं यार, ठीक है ओके, इसको करते हैं लीव गैरेज। तो अब कॉन्ट्रैक्ट देखते, अब जो जो टास्क है उसको देखते हैं भाई क्या क्या माल पहुंचाना है, ठीक है अब इसको करते हैं यहाँ पे खड़ा, और अरे यार एम दबाना था। तो पहले तो ये माउंटेन ब्रिज, अरे माउंटेन ब्रिज कहाँ गया, ये वाला माउंटेन ब्रिज है, यहाँ पे पहुँचानी है भाई एक मेटल बीम, दो कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक हमें मिलेंगे यहाँ से, कंक्रीट ब्लॉक देख लो ऐसे होते हैं, तो कंक्रीट ब्लॉक तो वेयर हाउस से लाने ही पड़ेंगे भाई, तो एक काम करते हैं इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेटल बीम हमें मिलेगी,
तो मेटल बीम भी लानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या खड़ा है भाई? यहाँ पर ट्रेलर खड़ा है। अच्छा, एक ट्रेलर खड़ा है इसके अंदर, और एक सेकंड भाई इसको देखना भी तो पड़ेगा। ये किंग ऑफ द हिल है, ये भी लेते हैं बाद में यार। तो अब मुझे जाना पड़ेगा वेयर हाउस पे, क्योंकि मेटल बीम तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन भाई वहाँ से यहाँ पर आने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलते हैं अब वेयर हाउस पे, वेयर हाउस का भी नज़ारा लेते हैं एक बार। तो एक ये ट्रेलर उठा लूँगा मैं, यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके ऊपर रख लेंगे दो। यहाँ से हमें चाहिए मेटल बीम और कंक्रीट ब्लॉक मिलेंगे वेयर हाउस से, ठीक है। तो इसको एक मिनट यार, इसको ट्रैक तो करना था भाई, इसको ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। इसको करते हैं स्टार्ट ट्रैकिंग, ठीक है। और अभी टाइम को कर देते हैं भाई, सुबह चलेंगे। तो भाई सुबह हो गई, अब चलते हैं इसको लेके। लेकिन बस इसमें यही दिक्कत है भाई, तेल की। अब वो ट्रक के लिए फिर मुझे रशिया जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो भाई वो ट्रक को भी लेके एक बार फिर बेचना नहीं है, मतलब उसको लेके फिर रख लो। लेकिन भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को स्काउट गाड़ी खरीदनी थी। तो मेरे ख्याल अब मैं जो टास्क करूँगा, और उस टास्क से मुझे क्या होगा कि पैसे भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे, और एक मैं स्काउट भी रख सकता हूँ और एक ट्रक भी रख सकता हूँ, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। तो अपने पास भाई दो गाड़ियाँ हो जाएंगी, तो हमें बार बार कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम अपना काम अपना रेगुलर करते रहेंगे। तो अब जाना है भाई मुझे वेयर हाउस पे। एक मिनट, वेयर हाउस पे मेटल नहीं मिलता क्या भाई? एक इसको चेक करने का तरीका है। एक मिनट, वेयर हाउस पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो मेटल बीम भी मिलती है यहाँ पर, सर्विस स्पेयर पार्ट मिलते हैं, कंक्रीट ब्लॉक मिलता है, ब्रिक मिलती है, ये चार चीज़ें मिलेंगी हमें यहाँ से, ठीक है। तो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं हम, ओके। तो नहीं तो फिर मेटल बीम के लिए भाई मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। भाई ये शॉर्टकट है क्या यार? एक रास्ता सा आ रहा है बीच में नज़र। तो भाई साइड से निकालते हैं एकदम बढ़िया सा। ये ट्रक इतना बढ़िया नहीं है पर काम चला हुआ है, चलो काम तो कर ही देगा भाई अपना। ओ भाई AWD तो ऑन ही नहीं करा, ओ सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में होता है कि वो ऑलवेज ऑन है, लेकिन भाई किसी किसी में ऑलवेज ऑन होता है, लेकिन किसी किसी में ऑन करना पड़ता है। तो ये आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, कैंप, ये कैंप लिखा है यहाँ पे। ये भाई ये शॉर्टकट है वेयर हाउस का। अच्छा अच्छा, तो ये है भाई इतना लंबा, हो भाई शॉर्टकट मारते हैं यहाँ से, यहाँ पहुँचना है हमें। तो देखते हैं यहाँ से रास्ता है, हो सकता है यहाँ पे स्काउट जाती हो सिर्फ, तो कोशिश करते हैं भाई। ये ट्रक बहुत तेल पीता है यार, इसमें बस यही कमी है। चल 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 चल, अभी चढ़ भी नहीं रहा, चढ़ तो जाएगा, इतना सारा माल लेके आ भी जाएगा ये। तो अब मैं जो टास्क मिली है छोटी छोटी पास पास की, पहले वो करता हूँ, पुल वुल रिपेयर कर लेता हूँ, ताकि मुझे भाई आने जाने में दिक्कत ना हो ज़्यादा। मार हॉर्न बढ़िया सा। ओ भाई पत्थर पड़े हैं, ध्यान से निकालता हूँ साइड से करके। चल 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 चल, हाँ निकल तो गया, ये आ गया आ गया आ गया। तो ये शॉर्टकट है भाई वेयर हाउस का, बढ़िया सा। तो शॉर्टकट मार मार के करोगे गेम भाई, ऐसे ऐसे करोगे, लंबे लंबे रास्ते लोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर एक टास्क, चलो उसको बाद में लेते हैं अभी, वो गाड़ी से लेने वाली होगी स्काउट से। अभी तो मैं जो बड़े बड़े काम है पुल वगैरह रिपेयर करने भाई, उनको कर दूँ पहले। तो वेयर हाउस मेरे सामने है भाई बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं ले लूँगा मेटल बीम, और क्योंकि मेटल बीम भाई दो पॉइंट का माल, मतलब दो पॉइंट की जगह घेरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट, कौन सा जो सामान है वो कितनी जगह लेता है। तो कोई तो होता है इसके अंदर दो बक्से आ जाते हैं, लेकिन मेटल बीम इसके अंदर एक ही आएगी, क्योंकि मेटल लोहे की भाई बड़े बड़े होते हैं, उसको एक ही इसमें रखनी पड़ेगी। और इधर चलते हैं वेयर हाउस, इधर ही चलो, आ गया भाई आ गया, वेयर हाउस आ गया भाई पहली बार। तो ब्लैक रिवर मैप है ये, और इसके अंदर वेयर हाउस हमने पहली बार खोला। चलो, और यार क्रेन नहीं लगाई मैंने, चलो इस बार अभी तो क्रेन की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ले आएंगे। ये चल कैसे रहा है ट्रक? तो इसको लगा लेते हैं ट्रेलर को पहले ही, पीछे अटैच कर लेंगे इसको। तो ये खड़ा हुआ यहाँ पे फ्री में। ओ भाई एक मिनट भाई, थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तो ट्रेलर वगैरह कहीं पर खड़े रहते हैं, आप देख लिया करो, आपको कई बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यार अटैच करने के लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा,
ओके, ये हो गया अटैच, ब्रेक हटाते हैं। चल भाई इधर लाते हैं और यहाँ पर ले आएंगे। लाओ भाई डालो माल। ओके तो किसी में भी भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी दबा के, तो हमें चाहिए मेटल बीम और कंक्रीट ब्लॉक। तो ध्यान से माल भरना भाई, पता लगा कि कुछ और ही भर लिया। तो ई से करेंगे आगे इसको। ये है भाई कंक्रीट ब्लॉक और ये है भाई सर्विस स्पेयर पार्ट, ये है भाई मेटल बीम। तो इसको कर लेंगे लोड और अब चलते हैं भाई पीछे दूसरे में। तो ए से और डी से करेंगे। हाँ ये अब ध्यान से भरना। तो हमें चाहिए कंक्रीट ब्लॉक एक, लोड कर लेंगे एफ से और एफ से दूसरी। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपने पास सामान। ओ चल भाई यार एक स्किन ये क्या दिखा रहा है मेटल बीम, ये दो। ओ यार ये क्या आ गया, ये भाई इसमें एक तो बहुत सारे बटन है। तो माउंटेन ब्रिज पे हमें ये दो चीज़ देनी है। वो कह रहे हैं पहले मेटल बीम दो यहाँ से ला के, फिर यहाँ से कंक्रीट ब्लॉक ला के दो। तो ये भी देख लेना, ये देखो ऊपर अगर राइट साइड में देखो तो सिर्फ मेटल बीम दिखा रहा है, कंक्रीट ब्लॉक नहीं दिखा रहा। तो मतलब हमें दो चक्कर मारने पड़ेंगे। तो दो चक्कर क्यों मारेंगे भाई, हम एक ही चक्कर में कर देंगे। कंक्रीट ब्लॉक भी ले लिया हमने और दूसरा माल भी भर लिया। तो मोड़ते हैं अब इसको भाई को बस यहाँ से। एक मिनट एक मिनट, ध्यान से पिछला ट्रक भाई पलट ही ना, पिछला ट्रेलर पलट ही ना जाए। तो अब देना है वहाँ पे माल, देखो एरो येलो येलो एरो आ रहे हैं नीचे डाउन, वहाँ पे जाकर देना है। तो बीच में एक शॉर्टकट था उससे वहाँ से देखता हूँ, कोशिश करते हैं जाने की। और निकाल तो दी भाई हमने गाड़ी, अब देखते हैं ये लेके पहुँच भी जाएगा भाई। खींच तो रहा है, ओह भाई इसका बैलेंस नहीं बन रहा। तेल अभी तो काफ़ी है, 200 लीटर तेल है। बस 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 एक मिनट रुक जा। तो एक रास्ता था ना, कहाँ पर था भाई, मैंने अभी सर्च करा था, ये है भाई रास्ता। राइट जाके यहाँ पे जाना है और फिर भाई हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके हम दे देंगे माल। अरे यार चल, तो चलते हैं राइट में, इधर को घुमा दे भाई, घुमा दे। खटकी खटकी खटकी, पीछे ट्रेलर आ रहा है, आ रहा है भाई आ रहा है। ओहो हो, इधर को इधर को, रोड पे भाई रोड पे चला। तो पहले तो पुल रिपेयर कर दूं भाई फटाफट से, क्योंकि पुल रिपेयर हो जाएगा तो अपना रास्ता आने जाने का। ओह यार ये टेढ़ा क्यों हो रहा है इतना। पुल रिपेयर होने से अपना रास्ता खुल जाएगा बढ़िया सा। इसका स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है भाई, ये ट्रक ऐसी है बस। ये थोड़े से पुराने मॉडल के ट्रक है, अब हमें चाहिए लेटेस्ट। लेटेस्ट मिल जाएंगे तो फिर आएगा मज़ा भाई। खींच तो रहा है, बहुत हैवी है भाई। कंक्रीट देखो ना, सीमेंट का भाई, और आगे लोहा देखो, मेटल बीम बहुत हैवी है। चलो 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 खींच दे भाई खींच दे। तो टास्क के दो चार बची हैं यहाँ पर बस, छोटी छोटी, वो भी लेके बाद में फिर उनको देखेंगे कैसे कैसे करेंगे भाई इसको। अभी तो जाना है मुझे इधर से। हाँ ये रहा रास्ता, हाँ ये है भाई शॉर्टकट। तो यहाँ से मैं लाया था, वो अभी मैंने स्काउट गाड़ी लेके इधर से आया था। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, बहुत हैवी माल है, फुल स्पीड दे रखी है भाई मैंने। तो वेयर हाउस इधर है, फैक्ट्री उधर है। अच्छा राइट में है फैक्ट्री, हमें अभी नहीं जाना फैक्ट्री में, बाद में चलेंगे। चल 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 खींच दे। तो इसका डिफरेंशियल लॉक ऑन नहीं है, तो डिफरेंशियल लॉक ऑन हमें कर सकते हैं एल दबा के माउस से। लेकिन किसी किसी ट्रक में तो डिफरेंशियल लॉक ऑन ही होता है, तो भाई वो अटक फंसते नहीं कहीं पर भी। इसका मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अभी चल रहा है, चलने देते हैं। जब ये फंस जाएगा तो डिफरेंशियल लॉक लगा लेंगे। तो डिफरेंशियल लॉक से क्या होता है, सारे जो डिफरेंशियल होते हैं अगले पिछले सारे लॉक होके इकट्ठा काम करते हैं। उससे क्या होता है, गाड़ी को बहुत तगड़ा पुश मिलता है, ट्रक को या ट्रैक्टर को जो भी आप चला रहे हो। तो गाड़ी फंसी हुई होती है कहीं पर, तो भाई खड्डे में से और वहाँ से कीचड़ में से आराम से निकल जाती। और ऑल व्हील ड्राइव तो है ही इसके अंदर, तो ऑल व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव और भाई 4x4 ये एक ही चीज़ होती है। तो इसको इसके कई नाम हैं, तो कई लोग सोचते हैं 4x4 AWD अलग अलग हैं, तो वो सब एक ही चीज़ है। ओ भाई तो फंस गया, लेकिन भाई देखो हिम्मत बहुत है ट्रक के अंदर। इंटरनेशनल स्टार है ये, मैं स्टार हूँ, ये इंटरनेशनल स्टार है। बाप भाई बाप, मैं इंडियन स्टार हूँ।
आजा 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 भाई, पलटा मत दियो सामान तो, बस बाकी सब खैर है। आ तो गया भाई, 85 मीटर पे पहुँच जाना है बस। लो भाई वो पुल आ, वो पानी आ गया, बस पानी की आ गई है। तो ये अच्छी ऑप्शन है कि पुल के दोनों तरफ माल दे सकते हैं। अगर ये होता कि पुल के उसी तरफ माल देना है तो भाई फिर हमें उस तरफ से घूम के आना पड़ता। तो ये अच्छा चीज़ बना, अच्छी चीज़ बनाई है इसमें कि पुल के दोनों तरफ से हम सामान दे सकते हैं, किसी भी पुल के। नहीं तो भाई अगर एक ही तरफ से होता तो हालत ख़राब हो जाती, फिर तो मुझे वो घुमा के भाई गाड़ी उधर से काफ़ी दूर से लानी पड़ती। और देखो रात भी हो गई है और लाइट जगा लेते हैं इसकी। अबे लाइट भी देखो माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है 0 वाट का बल्ब जल रहा है। आ तो गया भाई लेके, बड़ी मुश्किल से आया, लेकिन ये अब तो रोड आ गया, अब तो भागेगा, भाग ले भाग 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 भाग, अब तो चल ले। लो भाई अब तो चल पड़ा। लो भाई पुल करते हैं रिपेयर। ये यहाँ पर एक मिनट, तो सी दबाते हैं और मेटल बीम को करते हैं लोड। लो मेटल बीम चली गई, ये बना पुल। अब लगाते हैं सीमेंट की, तो अब देना है भाई सीमेंट एफ एफ। ये आगे भी सिल्लियाँ टक 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 टक। लो भाई लो ये लो भाई, इतने पैसे मिले 1850 और 250-260 हमें मिले स्टार। चल भाई एक मिनट। अब देखते हैं भाई, ये हो गई मिशिल ऑयल टैंक। अच्छा टैंक ऑयल भाई वहाँ पर है, उसको कैसे ले, ये ट्रक नहीं जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो दूसरी देखते हैं कौन सी थी, और रोड ब्लॉक। अच्छा रोड ब्लॉक पे देने भाई सर्विस स्पेयर पार्ट दो, तो दो सर्विस पार्ट स्पेयर पार्ट आ जाएंगे। ये यहाँ पर भी पड़े थे यार, ये कहाँ गई। अच्छा ये व्हीकल पार्ट है, अच्छा यहाँ पे व्हीकल पार्ट है भाई। सर्विस स्पेयर पार्ट देखो यहाँ पर एक पड़ा है, तो एक सर्विस एक पड़ा, लेकिन मुझे चाहिए दो। तो दो के लिए भाई मुझे फिर जाना पड़ेगा वापस, तो दो स्पेयर पार्ट तो इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको ट्रेलर को मेरा साइड में खड़ा करते हैं भाई, इस ट्रेलर को खोना नहीं है, इस बाद में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे खड़ा। आजा भी आजा, तू यहाँ पर आजा। ओके इसको कर देते हैं डिटैच। और अब मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इसको वेयर हाउस पर जाऊँ, अगर मैं गैरेज में जाऊँ वापस, फिर वेयर हाउस पर जाकर यहाँ पर आऊँ, तो फ़ायदा होगा कि मैं पहले पेट्रोल भरवाऊँ फिर गैरेज पर जाऊँ, नहीं सॉरी पेट्रोल भरवा के फिर मैं वापस जाऊँ, तो एक ही बात है। तो ट्रक को लेके चलते हैं भाई अपने गैरेज के अंदर, और फिर करते हैं लीव गैरेज। और अब चलते हैं भाई वेयर हाउस पे एक बार, और अब देना है मुझे मिसिंग ऑयल टैंक आ रहा है देखो ऊपर, एक मिनट इसको मैं ज़रा चेंज कर दूँ, इसको मैं अभी स्टॉप करके और दूसरे वाले को लगा लेता हूँ। इसको रोड ब्लॉक को कर लेता हूँ स्टार्ट ट्रैकिंग, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सर्विस स्पेयर पार्ट दो देने, और कहाँ से मिलेंगे भाई ये मिलेगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे एक ही मिलेगा, एक ही पड़ा है यहाँ पे, तो दूसरा मैं कहाँ से लाऊँगा भाई। तो अभी वहीं चलते हैं, ठीक है। चलो ओके। तो रात हो गई क्या, एक मिनट, अरे नहीं यार 11 ही तो बजे हैं भाई, एक घंटे में हमने, ओ भाई लेकिन धुंध बहुत हो गई है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है इसमें धुंध पड़ती है काफ़ी। अब चलते हैं वेयर हाउस पे, इसके अंदर अपने दो आ जाएंगे आराम से सामान, दो सर्विस स्पेयर पार्ट, तो इसके अंदर दो लेके वहाँ पर छोड़ देते हैं। और रोड स्लाइड जो पहाड़ी गिरी हुई है, सड़क पे पहाड़ आ गया है, वो साफ़ हो जाएगा, तो रास्ते खुल जाएंगे हमारे। तो भाई रास्ते खोलने बहुत ज़रूरी हैं, रास्ते नहीं खोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ले चलता हूँ भाई इसको फटाफट से, और इसको फिर निकालता हूँ मैं साइड से, और ऑल व्हील ड्राइव नहीं करा मैंने, देखो फिर दोबारा भूल गया। तो इसको निकालते हैं भाई एक बार साइड से, भाई बीच में मत ले जाना, बीच में तब लेके जाना जब ट्रक बहुत ही सॉलिड हो, मतलब पहिए मोटे मोटे हों, ऑफ रोड हों, तब लेके जाना भाई, नहीं तो ये अंदर फंस जाएगा। तो इसके टायर भी अच्छे हैं, ये भी मड में सही काम कर रहे हैं ऑल ट्रेन। तो शॉर्टकट मारेंगे फिर यहाँ से, लॉन्ग कट से जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। चल 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 चढ़ जा भाई फटाफट से, चल रहा है। ये भाई दम निकल गया एक बार पूरा जोर लगाता है, फिर पहला गियर लगाता है भाई, फिर चढ़ता है ट्रक अपना।
अच्छा तो भाई रशिया जाना पड़ेगा दोबारा से रशियन ट्रक लेने, ये तो गलत बात है भाई। जो हमने एक बार ख़रीद लिया ट्रक वो हमारे स्टोर में मतलब हमारी वो उसमें लिस्ट में आ जाना चाहिए कि हमने वो ख़रीदा था और फिर हम दोबारा ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है कि हमने बेचा तो भाई वो ट्रक अमेरिका से रशिया चला गया वापस। भाई बहुत ही फुर्ती दिखाई ट्रक ने, चलो रशिया वाले मैप में चलेंगे फिर और फिर उसको ख़रीद के लाएंगे भाई को, उसी ट्रक को। अजोब, अजोब का ट्रक बढ़िया है। एक वो है कोलोब, कोलोब भी अच्छा है लेकिन वो कटिंग बहुत दिक्कत है उसकी, कटिंग में बहुत दिक्कत, मतलब आगे से उसको काटने के लिए बहुत जगह चाहिए। वो भी चलता है लेकिन उसके लिए चाहिए जगह खुली खुली बहुत तगड़ी। चल भाई ओ ओ ओ, तो वेयर हाउस पर फिर जाना पड़ेगा। चलो शुक्र है कि वेयर हाउस भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो शॉर्टकट भी मिल गया हमें एक, और फिर उसी शॉर्टकट से जाऊँगा मैं दोबारा, वहीं पर देता हूँ माल वापस जाके। तो वेयर हाउस पर जाने से पहले देख लेना कि वो माल वेयर हाउस पर क्लिक करके देख लेना वेयर हाउस पर क्या क्या माल मिलता है, तो पता लगा आपको चाहिए था माल कुछ और आप पहुंच गए कहीं और। ओह 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 भाई अभी ट्रक को, इसका ट्रक का थोड़ा सा बैलेंस आउट है, इसका स्टेयरिंग में गड़बड़ है, तो हमेशा ट्रक को इस कोने में लगाओ ताकि मुड़ने में दिक्कत हो। भाई ब्रेक क्या सॉलिड थी, एक मिनट यार ये भाग रहा है। तो अब मुझे चाहिए तो क्यों इसे करेंगे आगे, सर्विस स्पेयर पार्ट चाहिए, इसको करेंगे लोड। अरे यार मेरे ट्रक में करना था, अच्छा ए से दबाएंगे भाई, ए से, हाँ ऐसे, तो मैंने वहाँ पर लोड कर दिया। देखो ट्रक यहाँ पे आना चाहिए, ट्रक ये लोडिंग प्लेटफार्म आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो लोडिंग प्लेटफार्म, और मुझे ए और डी से होता ही आगे, और ये होता भाई क्यू और ई से, तो क्यू ई से ऐसे करोगे मेटल बीम ये सब आ जाएगा देखो, ठीक है। तो हमें चाहिए सर्विस स्पेयर पार्ट, और डी से करेंगे ट्रक, तो इसको करेंगे लोड ऐप से। लो भाई दो सर्विस स्पेयर पार्ट अपने पास आ चुके हैं, ठीक है इसको करते हैं एस्केप, ब्रेक हटाते हैं और भाई इसको मोड़ के चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, तो ओए 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 ओए, और देखो मैंने गलती से एक वहाँ पर लोड कर दिया, कोई बात नहीं वो पड़ा रहेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहाड़ी वाले के पास जाना है और ये देने हैं दो स्पेयर पार्ट, एक लकड़ी का पुल भी है। अब लकड़ी के पुल के ऊपर आपको पता है क्या चाहिए होती है, लकड़ी चाहिए होती है, तो वहाँ तो लकड़ी ले आकर सीधे वहाँ पहुँच जाओ और वहीं पर टास्क भी होगी, टास्क लेके फटाफट से और वहीं पर दे दो माल, बस ख़त्म हो गया वो टास्क। तो देखता हूँ मैं अगर वो टास्क अभी कर सकता हूँ तो मैं अभी कर दूँगा, तो अगर मेरे पास टाइम मिला तो उसको तो ले चलूँ पहले फटाफट। पहाड़ी वाले को भी तो पहुँचाना है भाई, उसकी पहाड़ी खिसक गई है वहाँ पर जैसे पहाड़ी खिसकी है ना, तो वहाँ पर बंदे होने चाहिए थे दो चार जो खड़े होके कुछ बात कर रहे होते कि हाँ भाई ये पहाड़ी गिर गई है, फिर मैं जाता ट्रक में से उतर जाता बंदा, थोड़ा एनिमेशन होता तो यार भाई गेम सुपर हो जाती, सुपर साथ में आसमान पर पहुँच जाती गेम, लेकिन इन्होंने वैसा बनाया नहीं। तो इसमें सारा सिस्टम ऐसे ही है, तो वहाँ पर देना है माल। चलो इसको भी मारते हैं यहीं से शॉर्टकट, अब तो ये फटाफट खींच रहा है क्योंकि पीछे मेटल बीम नहीं है, पिछली बार मेटल बीम था भारी और इस बार तो ये सिर्फ स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट हल्के होते हैं ज़्यादा भारी नहीं होते, मेटल बीम और कंक्रीट ब्लॉक बहुत हैवी है। देखो क्या स्पीड पर जा रहा है, ये देखो उछल उछल के चल रहा है अब तो भाई। अंदर चलाने का यार फुल मज़ा आता है, ऐसा लगता है भाई फुल असली ड्राइविंग हो रही है, बाहर से ला के ऐसा इतना मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है खिलौना चल रहा है, अंदर से आता है फुल मज़ा। तो वहाँ पर सिर्फ दो स्पेयर पार्ट ही देने, तो आइकन का भी ध्यान रखना, स्पेयर पार्ट का आइकन देखो चाबी सी बनी हुई है, एक रेंच बना हुआ है रेंच, तो ऐसे ही कंक्रीट ब्लॉक का और ब्रिक के अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, तो वो दोनों मिलते जुलते हैं, तो उसका आइकन का ध्यान रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि कौन सा माल कितने पॉइंट का है, जैसे मेटल बीम 2 पॉइंट है और ये सर्विस स्पेयर पार्ट 1 पॉइंट का है, तो इसमें ट्रेलर होते हैं 2 पॉइंट के और 4 पॉइंट के और 5 पॉइंट के, इसके अंदर जो ट्रेलर हैं उनके अंदर, और एक सबसे बड़ा है भाई मिसाल 8 पॉइंट का। तो लो भाई आगे वापस, अब तो रोड आ गया, अब तो ये भागेगा 100 की स्पीड पे। लो भाई आ गए, ओ मैं निकला स्पेयर पार्ट लेके रस्ते पे, पहाड़ी गिर गई पहाड़ी खोल दूंगा वहाँ पे माल डाल के मैं। चलो यार ये हो गया एक बकवास सा गाना, और पहुँच गए हम 15 की स्पीड पे जाना भाई वहाँ पे। ओके 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 भाई इसका बैलेंस नहीं बनता, देखो ये ट्रक का कोई वो नहीं है, इसका स्टीयरिंग आउट है बहुत ज़्यादा। लो भाई आ गया तुम्हारा माल,
चलो 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 बस करो बस, पहले ब्रेक जरूर मार लेना। तो करते हैं अनलोड सर, एक गया दूसरा गया, लो भाई पहाड़ी खुल गई, रास्ता सामने नज़र आने लगा। 1600 रुपये मिला, 170 मिले हमें क्या स्टार। तो मैं देखता हूँ अभी कितना टाइम बचा है भाई, अभी टाइम बचा नहीं है वैसे तो। तो एक काम और कर सकते हैं यार, इसके अंदर टास्क अभी मेरे पास मिसिंग ऑयल टैंक ही है, लेकिन ये मैं करूँगा बाद में, क्योंकि इसके लिए भाई मुझे ट्रक चाहिए बहुत शानदार, ये ट्रक शायद फंस जाएगा। तो एक यहाँ पर है लकड़ी का पुल, तो लकड़ी के पुल के ऊपर हमें चाहिए लकड़ी, और भी मेरा ट्रक है यहाँ पर, तो लंबर मिला भाई यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ से रास्ता तो है, लेकिन ये रास्ता बंद है ना यार। ओहो भाई, तो मुझे यहाँ से घूम के लकड़ी यहाँ से लेके, अच्छा अच्छा वैसे तो भाई रास्ता देखो इधर से भी है, ये देख रहे हो कीचड़ में से, यहाँ से आके यहाँ से, तो यहाँ चलते हैं। तो चलो एक यहाँ पर चलते हैं, इसको कर दें आज, ये रहने दें। और यार इस ट्रक को भी लेना है मुझे, तो इस ट्रक को लेना है, इस अपग्रेड को लेना है, इस अपग्रेड को लेना है भाई, और इसको पुल को भी खोलना है। बस एक टास्क बची है मेरे पास, और इसको अगली बार करेंगे भाई उस ट्रक को। अब तो थोड़े पैसे बढ़ गए हैं मेरे पास, तो ट्रक ले लेंगे दूसरा वाला। अभी तो इसको मैं करने वाला यहीं पे ख़त्म, क्योंकि भाई फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इसके और वीडियो पर वीडियो डाल सकूँ। ये शायद छठा पार्ट है या सातवां पार्ट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अब। तो एक मिनट यार मैं चेक कर, चलो छोड़ो चेक क्या करना भाई, अब मैं अगली बार आप देख लेना खुद ही कौन सा पार्ट है, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद छठा या सातवां पार्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके वीडियो जल्दी जल्दी डालूँ, ताकि आपको सारे मैप फटाफट समझ आएँ, और कैसे कैसे कौन सा टास्क करनी है आपको भी कुछ समझ में आ जाए। तो मेरी वजह से जिस जिस भाइयों को समझ आ गई गेम भाई, बहुत बहुत चलो अच्छी खुशी की बात है भाई, किसी को कुछ समझ तो आया कि कैसे होनी है गेम, कैसे चलेगी। चलो भाई ये था आज का गेम प्ले स्नो रनर का, अगली बार करते हैं कुछ काम। भाई तू क्यों सो गया? हाँ सो मत, यहाँ सोने नहीं आए हुए, काम करने आए हैं। तो फिर अगली बार करेंगे उन जो टास्क बाकी बची हैं, लकड़ी वाला पुल और अपग्रेड और वो गाड़ी और वो ट्रक फंसा हुआ है, वो मिसिंग ऑयल टैंक भाई बहुत अभी तो इसमें काम है। अभी एक दो पार्ट और बनेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अगले उसमें अगले मैप के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो भाई ये था आज का गेम प्ले, कैसा लगा कमेंट लाइक करके बता देना, और सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यार, सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं यार, थोड़े तेज तेज आओ भाई, 1000 2000 तो और उसकी तबाही कुछ मज़ा। चलो यार बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें भाई, एकदम मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। चल भाई दोस्तों, ओके भाई, बाय बाय।